हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और मैं हूं गाइस, आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले बेनेली 302S के बारे में। तो भाई, मुझे पिछली वीडियोस में एक कमेंट आया था कि बेनेली 2024-302 के बारे में बताओ, तो भाई उस पर एक वीडियो मैं बना रहा हूँ ये। तो गाइस, बात करते हैं सबसे पहले इसके प्राइसिंग की। तो इसकी प्राइसिंग बहुत अमेजिंग होने वाली है, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। पहले मैं इसके स्पेसिफिकेशन बताऊंगा आपको, फिर उसके बाद आप गेस करिएगा प्राइस ये सही है या नहीं। तो गाइस, मैं हूँ आयुष और स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, बने रहिएगा वीडियो में। तो गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो और बताना वीडियो कैसी लगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके LED बल्ब के बारे में। तो भाई, बात करें इसके पुरानी बाइक के बारे में, तो इसमें पहले आपको हैलोजन बल्ब वगैरह मिलते थे, पर गाइस इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं कंपनी ने लाइट्स को लेकर, जो कि भाई फ्रंट में आपको LED DRL मिलते हैं और गैस इसमें आपको इंडिकेटर भी LED के देखने को मिल जाते हैं। तो गैस LED काफ़ी अलग ही चमकती है एज़ कम्पेयर टू बल्ब या हैलोजन के, तो भाई ये एक बेटर ऑप्शन है। तो गैस बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। पुरानी बाइक्स में आपको टैगोमीटर मिलता था, पर इस बाइक में आपको इंस्ट्रूमेंट कंसर फुल्ली डिजिटल मिलता है आपको, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आपको सारे के सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। भाई बाइक करें इंजन के बारे में, तो सबसे बड़ा अपडेट इसमें इंजन में ही आया है। इंजन में आपको पुराने से ज़्यादा ही काफ़ी ज़्यादा रिफाइन किया गया है और चलाने में आपको भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस पता चलेगी। आप खुद जब आप इसको बाइक को ड्राइव करोगे, अगर आपका कोई फ्रेंड या कोई लेता है तो आप उससे एज ए ड्राइव मांगो, या तो आप कंपनी से भी कह सकते हो कि मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ। तो आप खुद ही देखोगे यार इंजन कितना ज़्यादा स्मूथली रन कर रहा है, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा रिफाइन कर दिया गया इंजन को एज़ कम्पेयर टू ओल्ड बाइक। ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि इंजन में वर्क किया गया भाई। तो भाई इस बाइक में आपको मिलता है 9.2 सिलेंडर 4 वाल्व DOAC इंजन, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। तो गाइस इसमें इंजन में तो आपको बहुत बढ़िया अपडेट मिलती है। तो भाई बात करें अगर लुक्स की, तो लुक्स आपको एक तरीके से सेम ही मिलने वाला है, पर गाइस इसमें थोड़े से हेडलाइट जो DRL वगैरह हैं आपकी वो चेंज हुई हैं, और थोड़े बहुत इसका वाइजर में आपको चेंजेस मिलेंगे, और थोड़ा सा इसमें चेंजेस आपको मिलेगा मीटर में, और बाकी आपको अंदर आपको जो इंजन में आपको पता चलेगा। बाकी आपकी ब्रेकिंग सिस्टम आपकी अच्छी है, क्योंकि इसमें डुअल चैनल ABS है, इसलिए आपको ब्रेकिंग में भी थोड़ा फर्क देखने को मिल सकता है, जो कि मैं सीधी सीधी बात आपको बताऊं तो ये। सो गाइस अगर इसमें बात करते हैं टैंक की, तो आपको इसमें 14 लीटर का टैंक मिल जाता है, जो कि एक बेटर ऑप्शन है। सो गाइस इसमें बात करें कलर्स की, तो आपको नियॉन और वाइट कलर मिलता है देखने को, जो कि एज कम्पेयर टू कावासाकी से काफ़ी बेटर कलर्स ऑप्शन आपको मिलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कलर्स एकदम ब्राइट है और दिखने में एकदम सुपर बाइक की तरीके हैं। पर गाइस अगर बात करें कावासाकी की, तो कावासाकी में भाई सबसे महंगा ऑप्शन आपको ये है कि प्राइसली बहुत महंगी होती है वो बाइकें, तो काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसलिए कंपनी की जो ये बेनेली TNT की सीरीज़ जो निकलती है, वो भाई जो आपको साउंड प्रोड्यूस करती है, वो एक तरीके से सुपर बाइक का ही है, और सुपर बाइक में अगर आप कदम धरना चाहते हो तो सबसे बड़ी बजट बाइक आपकी यही बैठेगी, जो कि 302S है। लेकिन इसके बाद अगर आप जाओगे तो वो 600 आई, 2024 का नया मॉडल अपडेट हुआ है। तो भाई अगर एक बार इस पर मैंने वीडियो बनाई है, मैं चैनल का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार जरूर जाकर चेक करो। और भाई आपको बहुत ही बेटर ऑप्शन, अगर आप थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा है तो आप वो बाइक ले सकते हो भाई, बहुत ही अच्छी ऑप्शन है आपके लिए वो सुपर बाइक में एज़ कम्पेयर टू 5-6 लाख के आसपास। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप इस बाइक को ले सकते हो, और ये भी बाइक सुपर बाइक से कम नहीं है भाई। आप एक बार लोगे तो इतना तो मैं जानता हूँ कि भाई तारीफ तो होती है भाई बेनेली की। तो गाइस बात करें इसके प्राइसिंग की, तो ये भाई आपको प्राइस पड़ने वाला है 3,30,000 के आसपास, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है आपको न्यू बाइक 302S के लिए। तो गाइस मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी प्राइसिंग है, लेकिन आपको लगभग लगभग 3.5 लाख पड़ जाएंगे, वो मैंने रेट आपको बताया एक शोरूम का, आपको ऑन रोड आपको पड़ जाएगी 3-3.5 के आसपास। और गाइस अगर बात करें इसकी लॉन्चिंग के बारे में, तो गाइस कंपनी के हिसाब से ये आपको अप्रैल महीने से आप इसे बुक करा सकते हैं। तो गाइस ये रहे कुछ स्पेसिफिकेशन, आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, और अगर आपके भी कुछ कमेंट्स हैं तो आप हमें वीडियो में ज़रूर कमेंट में छोड़िए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।